नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना होगा। जम्मू कश्मीर में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हौसले बुलंद हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर की तरक्की के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना होगा। मेरा तो उन्हें मशवरा यही होगा कि नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना जरूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं। उमर अब्दुल्ला को उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने बतौर सीएम पेश कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का अपना वादा पूरा करे। उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये तीन मतलब कदम लिए जाएंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है। तो यहाँ हुकूमत बनते ही मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी से वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन कश्मीर की तरक्की उनकी प्राथमिकता है।